दोस्तों यहाँ पठान में दिखेगा जॉन अब्राहम वर्सेस शाहरुख का डेडली फाइट सीन, और जिसकी कहा जाए तो ये रहने वाला है सबसे दमदार। जस्ट इसके क्या सिद्धार्थ आनंद की फिल्म हो, और यहाँ उस फिल्म के क्लाइमेक्स में हमें एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को न मिले ये तो हो नहीं सकता। और इसमें जो एक तरफ सिद्धार्थ आनंद की पिछली फिल्म यानी कि वार में भी हमें देखने को मिला था ऋतिक वर्सेस टाइगर, और फिल्म के क्लाइमेक्स में एक जबरदस्त डेडली फाइट सीन। और जैसे कि अभी आप पठान में भी जॉन अब्राहम और शाहरुख खान आपस में भिड़ते हुए दिखेंगे, और जैसे कि फिल्म में दोनों स्टारों का एक डेडली फाइट सीन भी देखने को मिलेगा। यहाँ जैसे कि जॉन अब्राहम जो कि हमें ब्लैक किरदार में तो नहीं दिखते, लेकिन जैसे कि पठान में जॉन अब्राहम के किरदार को फिल्म के विलन का किरदार बताया जा रहा है, हालांकि जैसे कि उम्मीद है कि इस फिल्म में जॉन अब्राहम जो कि हमें ग्रे किरदार में दिख सकते हैं। हालांकि जैसे कि इसके बावजूद यहाँ फिल्म में जॉन अब्राहम और शाहरुख की फाइट तो पक्की है, और जैसे कि यहाँ इस फिल्म में दोनों स्टारों का काफी खतरनाक फाइट सीन रहेगा। और जैसे कि जॉन अब्राहम की खतरनाक पावर और उनकी बॉडी को देख तो ये कहा भी जा सकता है कि फिल्म का फाइट सीन जो कि काफी पावरफुल रहने वाला है, क्योंकि जैसे क्या सामने रहने वाले है एसआर के जो कि यहाँ अपनी मस्कुलर बॉडी के साथ यहाँ पर हमें भिड़ते हुए दिखेंगे। तो इसमें जो एक तरफ विलन वर्सेस हीरो देखना तो काफी कमाल का रहता ही है, लेकिन जैसे कि जॉन अब्राहम शाहरुख दोनों ही जो कि यहाँ फिल्मों में दिखते हैं हीरो के किरदार में, और इसमें कहा जाए तो यहाँ दो हीरोज को आपस में भिड़ते देखना तो और भी ज्यादा जबरदस्त होगा। तो इसमें उसको यहाँ पठान के साथ ही यहाँ पर देखने को मिलेगा बॉलीवुड का एक तगड़ा डेडली फाइट सीन। और इसमें तो क्या आप भी एक्साइटेड रहने वाले है जॉन अब्राहम वर्सेस शाहरुख को फिल्म पठान में भिड़ते देखने के लिए। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।